नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं, आप मैं जिशान आपके साथ। और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में गैर प्राथमिकी अभियुक्त सुविमल मुखोपाध्याय ने निगरानी की अदालत में सरेंडर किया है। टेंडर कमेटी के सदस्य थे सुविमल मुखोपाध्याय। अप्रैल में निकला था गैर जमानती वारंट, फरार चल रहे थे सुविमल मुखोपाध्याय और अब सरेंडर किया है इन्होंने, निगरानी की अदालत में सरेंडर किया है सुविमल मुखोपाध्याय ने। टेंडर कमेटी के सदस्य थे सुविमल मुखोपाध्याय। अप्रैल में निकला था गैर जमानती वारंट, राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़ा यह पूरा मामला। गैर प्राथमिकी अभियुक्त सुविमल मुखोपाध्याय ने निगरानी की अदालत में सरेंडर किया है। टेंडर कमेटी के सदस्य थे सुविमल मुखोपाध्याय। अप्रैल में निकला था गैर जमानती वारंट, फरार चल रहे थे और अब निगरानी की अदालत में सुविमल मुखोपाध्याय का सरेंडर। एक बार फिर से आपको जानकारी देना चाहेंगे, सुविमल मुखोपाध्याय जो फरार चल रहे थे सरेंडर किया उन्होंने। ये पूरा मामला है राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़ा हुआ, जिसमें गैर प्राथमिकी अभियुक्त सुविमल मुखोपाध्याय ने निगरानी की अदालत में सरेंडर किया है। टेंडर कमेटी के सदस्य थे सुविमल मुखोपाध्याय, फरार चल रहे थे और अब सुविमल मुखोपाध्याय का सरेंडर। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले से जुड़ा ही है पूरा मामला। सुविमल मुखोपाध्याय गैर प्राथमिकी अभियुक्त जिन्होंने सरेंडर किया और अब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।